हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि बच्चे हम लोग अमीन तक ऑब्जेक्टिव कर चुके थे और आज आपके लिए बहुलक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव का। चैप्टर वाइज आपको बना कर दिए बच्चे, आप पढ़िए, समय कम है भाई। अरे थोड़ा मेहनत कर दीजिए ना, बस हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है, 70 में आपके आराम से 60-65 लेकर आ जाइएगा। आप वीडियो को देखिए, केवल एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ आपके दे रहे हैं। आपको 2 नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं, 5 करा दिए, फिर आपको उधर नॉमिनी क्लेचर करा दिए, आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिए। बच्चे आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, बाकी तो हम लोग 3 तारीख को फिर दिखा ही देंगे कितना दम है। अरे 3 को आपको दिखाना ही होगा बच्चे, कि आप कितना तैयारी किए हैं। अब पूरा तहलका के साथ दम तहलका मचा देना, हाँ चला जाए। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत किया जाए बच्चे, आज के बहुलक से पॉलीमर देखा जाए। तो सबसे पहले बच्ची, वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, कहलाते हैं। 2 तरह के होते थे, एक ताप डीढ़ होते थे, एक ताप सुगट होते थे। तो याद रखना आपकी ये ना कि ताप डीढ़, ताप डीढ़ का मतलब समझिए ना, डीढ़ समझ रहे हैं ना। और ताप सुगट, ताप देने पर मुलायम, और फिर क्या हो जाए, कठोर। तो याद रखिएगा, वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं, ताप सुगट या ताप सुगमय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी पहला का हो जाएगा आपका सी, तहलका के साथ चला जाए बच्चे, दम तहलका मचा देना है। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में कौन सा संघनक बहुलक है। देखिए 2 तरह के बहुलक आपको पढ़ाया ही गया होगा, योगशील बहुलक भी बताया गया होगा, संघनक बहुलक भी बताया गया होगा। तो संघनक बहुलक कौन है, तो संघनक बहुलक कौन है आप याद रखिएगा। संघन, अच्छा क्या कह रहा, संघनक बहुलक नहीं है, कहने का मतलब संघनक बहुलक नहीं है। तो देखिए नाइलोन 6-6 भी बनता है, तो इसके साथ एक दूसरा पदार्थ बनता, तो ये आपको कहने का मतलब बहुलक के अलावा कोई दूसरा पदार्थ बना दे तब तो वह संघनक हो जाएगा। तो याद रखिए डेक्रॉन केवल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक चीज कवर करके रखिएगा। निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको दम बोर्ड में आना ही आना है, बीबीआई है भाई, बायोडिग्रेडेबल कहेगा। तो देखिए नाइलॉन 6-6 तो होगा नहीं बायोडिग्रेडेबल, पोलोथीन भी नहीं है, पीवीसी भी नहीं है, सेल्यूलोज ऑप्शन नंबर ए, दम तहलका इसके साथ चला जाए। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, तो पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई को मोनोमर कहते हैं। अब मोनोमर आपस में मिलती है और एक यौगिक बना देता है जिसको बहुलक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। आपको बहुलक पर एक वीडियो डाल चुके हैं पूरे, उसमें मेन मेन क्वेश्चन को पढ़ाएं ऑर्गेनिक से बच्चे, उसे आप देखिए। तो चला जाए, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई होता है, दम बता दीजिए दम तहलका के साथ क्या होगा, मोनोमर ए ऑप्शन नंबर ए, मोनोमर। बुना एन तथा बुना एस है, क्या है भाई, बुना एन और बुना एस कहने का मतलब दोनों है क्या चीज, तो याद रखिएगा प्राकृतिक रबर है, लैक्टेस है, संश्लेषित है या पॉलिथीन है। तो बुना एन और बुना एस संश्लेषित रबर होते हैं बच्चे, संश्लेषित रबर होते हैं, याद रखिएगा प्राकृतिक रबर नहीं है। पोलोथीन एक बहुलक है, पोलोथीन किसका बहुलक, इथीन का, और कहेगा बेंजीन किसका, तो इथाइन का, तो इथीन आपको नजर आ रहा है, इथीन आ रहा है जी सर, ऑप्शन नंबर बी चला जाए। एक एक क्वेश्चन को करना है, छोड़ना नहीं है। अगला बुना एस में एस का अर्थ होता है, देखिए बुना याद रखिएगा, बुना जब भी कहा बुना एस तब ब्यूटाडाइन कहने का मतलब एस का अर्थ पूछ रहा, एन ए का मतलब तो होगा सोडियम, एस का मतलब एस्टरीन, तो एस्टरीन कौन है भाई, यह सी ऑप्शन नंबर। एक एक चीज दम याद रखिएगा तहलका के साथ, दम पूरा एक एक चीज गर्दा कर देना बच्चे, छोड़ना नहीं है दम एग्जाम में तहलका के साथ।
एक एक चीज को तहलका कर देना है, छोड़ना दम नहीं है। और याद रखिएगा बच्चे कि कोई एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आवेगा तो छोड़ना उसको दम नहीं है, क्योंकि एक एक चैप्टर आपको करा रहे हैं। और याद रखिएगा योर केमिस्ट्री टीचर चैनल जो है आपको छोड़ने वाला नहीं है, पूरा तहलका के साथ आपको लेके चलेंगे हम लोग, ऊपर तक पहुंचा के रखेंगे, 70 में आपको 65 दिलवा के छोड़ेंगे इस बार। चला जाए बच्चे, एक एक चीज करना है। चला जाए अगला, बुना इसमें इसका अर्थ हम लोग बता दिए, स्टायरीन होता है, याद कीजिए। अरे भाई 10 मिनट का तो वीडियो देते आपको यार, दो बार देखिए, तीन बार देख लीजिए इसको फ्री टाइम में। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक जो प्राकृतिक से, तो क्या पोलोथीन तो हम लोग बनाते हैं यार, रबड़ भी बना देते हैं। और उपयुक्त में सभी नहीं होगा, जब एक खत्म ही हो गया तो सभी कहां से होगा? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इथीन के बहुलीकरण के द्वारा पोलोथीन बनता, अभी बताया था कि इथीन के बहुलीकरण से पोलोथीन बनता है, इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक कौन होता था? जिग्लर नॉट उत्प्रेरक होता बाबू, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक एक चीज को छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो याद रखिएगा आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबर कहेगा तो आइसोप्रीन। चला जाए आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर सी। एक एक चीज को छोड़ना नहीं है बच्चे, तो हल्का के साथ आप समझवे करते हैं भाई, एक एक चीज को छोड़ना नहीं है। और एक चीज जानते ही है, थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी को बदल देती है। ये चलते आप फैसला सोच समझ के लीजिए, और वीडियो को देखिए, और थोड़ा सा दोस्तों ही शेयर भी कर दीजिए दम तहलका के साथ। चला जाए बच्चे, एक एक क्वेश्चन को देखना है, याद रखना है भाई, फैसला लेना है तो सोच समझ के, क्योंकि एग्जाम आ गया है। चला जाए, एक एक चीज को छोड़ना नहीं है। देखिएगा निम्नलिखित में कौन ज्यूटर आयन, लीजिए आपको अमीन के चैप्टर में पढ़ाया था, अमीन के चैप्टर में ये क्वेश्चन को पढ़ाया था, आपको याद है तो आप कमेंट कीजिए इसको। निम्नलिखित में कौन ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है, कौन ज्यूटर आयन बनावेगा? ए बी सी डी, आप जल्दी से कमेंट कीजिए इसको। चला जाए ये आपके लिए क्वेश्चन, हम हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए ना यार, मजा आ जाएगा तहलका के साथ दम हम लोग को। निम्नलिखित में निम्न पॉलिएस्टर पॉलीमर है, पॉलिएस्टर पॉलीमर कौन है? तो बेकेलाइट तो है नहीं, मेलामाइन है नहीं, नायलॉन 66 नहीं, टेरिलीन है, टेरिलीन याद रखिएगा, टेरिलीन। बेकेलाइट किस प्रकार के पॉलीमर है? तो बेकेलाइट संघनक बहुलक है, मिस संघनक पॉलीमर, पॉलीमर का हिंदी बहुलक नहीं होता। अगला देखिएगा, 14 क्वेश्चन की ओर आ गया, नायोप्रीन है, नायोप्रीन है क्या चीज भाई? तो संश्लेषित रबर है नायोप्रीन। चलिए आ, नायलॉन 66 प्राप्त होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नायलॉन 66 एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाई एमीन से बनता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक एक चीज दम मिला के चलना है जाम। अगला क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक ताप डीढ़ ताप सुगट पॉलीमर का उदाहरण है, मिस थर्मोसेटिंग का, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बेकेलाइट, जिसको मारने पर चखना चूर हो जाए तो आपका बेकेलाइट। बहुलक के बारे में क्या सत्य नहीं है? लीजिए बहुलक पढ़ाए थे आपको, बहुलक कोई अवेश नहीं रखता, दम सही है, बहुलक ऊपर कोई अवेश, दम सही है, दम सही है। बहुलक की श्यानता ऊंच होती है, दम कोई दिक्कत नहीं इसमें। बहुलक प्रकाश फैलाती है, फैलाती है। बहुलक कम अनुभार के होते हैं, गलत। क्यों कम अनुभार के नहीं होते हैं? क्योंकि बहुत सारे अणुओं के मिलने से बनता है, बहुत सारे अणुओं को मिलने से बनता है बच्चे। अगला देख लीजिए, अगला क्या करा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? अभी बताएं आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक रबर। ये देखिए, ये आपका टेट्रा फ्लोरो इथेन है, टेट्रा फ्लोरो इथेन, इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन याद रखिएगा, CF2 डबल बॉन्ड देख लो, चार वो एफ है तो टेट्राफ्लोरो इथीन हो गया। ये हाँ, किसका एकलक है? किससे? इससे बहुत सारे इसके अणुओं के मिलने से कौन बनता? तो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को टेट्राफ्लोरो इथीन होता, ऑप्शन नंबर टेफ्लॉन ए, ऑप्शन नंबर ए। एक एक क्वेश्चन करना भाई, हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया, फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो फिनॉल का उत्पादन बेकेलाइट, कोची बेकेलाइट, क्या बचे? बेकेलाइट याद रखिएगा, कोची कोची से बनते हैं, फिनॉल से बनते हैं और फॉर्मल्डिहाइड से बनते हैं, फॉर्मल्डिहाइड याद रखना बच्चे। एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, देखिए समय कम है, हम पूरा दम रेगुलर देखिए, आप रिवीजन कीजिए, जो शॉर्ट नोट बनाए उसे पढ़िए, दम तहलका के साथ करना। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।